इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 मोबाइल अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो एक मिनट रुकिए जरा। यहाँ पर इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इन्फिनिक्स फ़ोन को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पर बता दो, अगर आपने खरीद लिया होगा तो शायद आपको पता होगा किस प्रॉब्लम के बारे में। तो ये रहा हमारे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल। तो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी साउंड से रिलेटेड है। जी हाँ, यहाँ पर जो साउंड सिस्टम है इसका काफ़ी ज़्यादा लो है और उसे मैं बताऊँगा कि इसे आपको कैसे ठीक करना पड़ता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कि आप अगर YouTube वगैरह चलाते हो या कोई म्यूजिक ऐप चलाते हो तो यहाँ पर आपको साउंड काफ़ी ज़्यादा कम सुनने को मिलता है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर Infinix की तरफ से आया है एक सेटिंग जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं बता दूँ जो Infinix वाले देते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन के थ्रू जिससे हम साउंड को बढ़ा सकते हैं थोड़े, ठीक है। और वो एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पर DTS साउंड, ठीक है। और DTS साउंड कैसे इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो इसका प्रॉपर इस्तेमाल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए ये जो है अभी साउंड ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है DTS साउंड, तो चलिए इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्रॉपर यूज़ आज मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो सेटिंग है इसे हम जैसे ही यहाँ पर ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के हम यहाँ पर जो खुलकर आता है, और यहाँ पर इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है स्मार्ट, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो इन सारे का यूजेस क्या है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर म्यूज़िक है और उसके नीचे यहाँ पर वीडियो है, फिर गेम मोड है। तो इन सब का इस्तेमाल कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, कैसे इसकी सेटिंग मिलाया जाता है और कैसे आप इसकी साउंड को बढ़ा सकते हो, तो यहाँ यूज़ म्यूजिक साउंड जो लिखा गया है इसमें हम टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप के यहाँ पर हमारे सामने पेज खुल कर आता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक मिनट दिखा दूँ मैं आपको अच्छे से। यहाँ पर देखिए स्टीरियो साउंड जो लिखा गया है, वाइड, इनफर्न और ट्रेडिशनल, तो यहाँ पर इन सारे चीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने म्यूज़िक को सुनने के लिए, म्यूज़िक में कोई ऐप है आपका। और यहाँ पर देखिए बूस्ट में जो बेस, वोकल और यहाँ पर जो दिया गया है, इन सारे चीज़ों को भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। और इन सारे चीज़ों को आपने यहाँ पर अगर ऑन कर दिया है तो किसी भी एप्लीकेशन में आप म्यूज़िक अगर सुन रहे हो तो आपका म्यूज़िक की जो साउंड है वो इन्हेंस हो जाता है और आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर वीडियो सेक्शन भी दिया गया है, तो वीडियो के लिए भी आपको यहाँ पर सेटिंग मिलता है जो यूज़ वीडियो साउंड लिखा गया है। उसमें जैसे ही हम यहाँ पर अगर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो वीडियो यूज़ वीडियो साउंड, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ऊपर जैसे कि मैंने स्टूडियो साउंड आपको बताया, वाइड, इनफर्न और ट्रेडिशनल, इन सारे में से आपको जो भी साउंड अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर चूज़ कर ले। फिर बेस और ये वोकल आप एक बार मिला कर देख ले कि आपको किस टाइप का सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप उसे कर सकते हो अप्लाई। और देखिए यहाँ पर ये जो तीनों अगर आप ओपन कर देते ऑन कर देते हो तो यहाँ पर आपको जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुनने को मिलता है। इवन अगर आप हेडफोन भी यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो अगर आपको साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस DTS साउंड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे यहाँ पर जो इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पर साउंड लो की, तो वो यहाँ पर अच्छे खासा काम करने लगता है। तो इस तरह आप DTS साउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। गुड बाय।